अरशद साहब के साथ हमने मीटिंग किए, दिल्ली में मीटिंग हुई, पुणे में मीटिंग हुई, लगातार कई मीटिंग्स हुई। हमने कुछ आंकड़े दिए कि हमें इतने सीट चाहिए, उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला। हमने सीटें कम करते गए, उन्होंने जब जब कहा कि हमको सीटें और कम करके दो तो हमने और कम करके दिए, फिर कहा तो हमने और कम के करके दिए। लेकिन इतनी बातचीत होने के बाद इस नतीजे के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी पहुंची कि हम मजलिस को महज 8 सीट देंगे। अब सवाल यह है कि जब 2014 के अंदर जब हम कुछ नहीं थे, जब सिर्फ नांदेड़ के अंदर हमारे 11 कॉर्पोरेटर्स थे, उस वक्त हमने 24 सीटें लड़ी थी, उन 24 में से 2 हम जीते थे और बाकी 9 सीटों के ऊपर हम दूसरे और तीसरे नंबर के ऊपर थे। 3-4 सीटें हमारी ऐसी थी जो महज हम 4-5 हजार के वोट से हम हारे थे। 2014 से 2019 का सफर सभी लोगों ने और खुसूसन आप तमाम लोगों की मेहनत का नतीजा है कि जो 11 कॉर्पोरेटर्स 2014 के अंदर थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में हमारे पास 150 कॉर्पोरेटर्स है पूरे महाराष्ट्र भर में। 150 कॉर्पोरेटर्स, काउंसिलर्स, एसटी समाज की हमारी बहन जो एमआईएम के टिकट से सरपंच बनी है नंदुरबार से, तो अगर इतना सफर हमने तय किया है और हमको ये कहा जाता है कि नहीं आप सिर्फ 8 सीट लड़े, तो हमें भी कुछ फैसला लेना था। और ये फैसला अगर कोई ये कह रहा है कि इम्तियाज जलील ने अकेले में लिया है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इतना बड़ा फैसला इम्तियाज जलील अकेले लेगा। ये फैसला लिया गया है मेरे खायर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, और उन्हीं के बोलने के ऊपर आज हमने ये मीडिया को बताया है कि हम इस गठबंधन से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आखिर हम भी कब तक हाथ पे हाथ धरे रहेंगे, कब तक हम इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि हम कहां पे इंटरव्यूज ले, कहां पे हमारे कैंडिडेट्स को कहे कि तुम काम पर लगो, कहां पर हम जाएंगे और अपनी प्रचार सभाएं लेंगे। महज कुछ दिन बचे हैं प्रचार इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के लिए, और ऐसी सूरत में अगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो हमें यह फैसला लेना पड़ा। और यह फैसला लेना हमारे लिए भी इतना आसान नहीं था। हमने आखिरी वक्त तक, आखिरी लम्हे तक हमने ये कोशिश की कि ये गठबंधन बना रहे। कल रात तक हमने अपनी कोशिश जारी रखी, और जब यह फैसला उनकी तरफ से आया कि नहीं हम सिर्फ 8 सीट देंगे, तब हमने यह फैसला लिया कि अब तुम तुम्हारी ताकत दिखाओ और हम हमारी ताकत अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पूरा यकीन है कि जो दलित समाज, अंबेडकरी समाज के लोग हैं पूरे महाराष्ट्र भर से, कितने अंबेडकरी समाज के ऐसे नेता हैं और नौजवान लड़के हैं जो हमको फोन करके ये कह रहे हैं कि साहब आपने जो फैसला लिया है, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस फैसले के अंदर हमारा समाज आपके साथ खड़े रहेगा। जिस तरह से हमारे पास हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, ये लोग पिछले 5 सालों से हमारे साथ रहे हैं और इन्होंने देखा है कि हम लोगों ने जब इंसाफ की बात आई तो कभी भी ये भेदभाव नहीं किया कि मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन अगर किसी एक मुसलमान को अगर पोस्ट दे रही है तो हमने ये ख्याल रखा कि हमारा दलित भाई भी उस पोस्ट के ऊपर जाकर बैठेगा। ये इंसाफ हमने किया है, इसीलिए आज इनका यकीन, इनका एतमाद हमारे ऊपर बड़ा है, और यही यकीन और यही एतमाद की वजह से अब हम मैदान में उतर, हमें और ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरना है, बहुत ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरना है। अब ये हमारी नाक का सवाल है, एक चुनौती है जो हमने स्वीकार करनी है, और ये तय करना है कि अब सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर इंशाल्लाह मजलिस की ज्यादा से ज्यादा सीटें।